नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोग। तो हम कोई ना कोई गलती जरूर कर देते हैं और मैं समझती हूँ कि शायद ऐसा ही नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी है और 1,000 के जुर्माने पे छोड़ दिया था, लेकिन रोडरेज में जिस बुजुर्ग की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी और इस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को आज 1 साल की सश्रम सजा सुनाई गई है। अब आप जानना चाहेंगे कि जिसको आप हंसी के फवारों के साथ देखा करते थे, आखिर उसने क्या खता की। तो ये जो मामला है, ये मामला करीब 33 साल पुराना है। 27 दिसंबर 1988 की शाम को नवजोत सिंह सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के साथ पटियाला के शेर वाले गेट की ओर जा रहे थे। मार्केट में पहुंचते हैं, ये उनके घर से महज 1.5 किलोमीटर दूर है। उस समय सिद्धू एक क्रिकेटर हुआ करते थे और अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी उनकी शुरुआती हुई थी। इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर के उनकी 65 साल के एक बुजुर्ग गुनाम सिंह से कहासुनी हो जाती है और बात हाथापाई तक जा पहुंचती है। सिद्धू ने गुनाम सिंह को घुटना मार कर गिरा दिया। ये शायद उनके एक जो क्रिकेटर होता है अंदर से, उसने शायद उन्हें पुश किया होगा, इसीलिए उन्होंने उस बुजुर्गवार की बुजुर्गी को नहीं देखा, उनकी उम्र को नहीं देखा और उनको घुटना मार के गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पे उनकी मौत हो जाती है और रिपोर्ट में ये आता है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। सेशन कोर्ट में केस चलता है और इस केस को 1999 में सेशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद साल 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इस बीच सिद्धू राजनीति में आ चुके थे उस समय और 2004 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से बीजेपी के टिकट पे वो चुनाव जीत जाते हैं। 2006 आता है और हाई कोर्ट का फैसला आता है। हाई कोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सिद्धू ने लोकसभा से उस समय इस्तीफा दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सिद्धू की ओर से बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पे रोक लगाई। 2007 में सिद्धू फिर से अमृतसर से चुनाव जीतते हैं और 1988 के मामले में सिद्धू पर इस समय 2 केस दर्ज हैं, पहला गैर इरादतन हत्या का और दूसरा रोड रेस का। गैर इरादतन हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 15 मई 2018 में बरी कर दिया था, मगर रोड रेस के केस में उन पे चोट पहुंचाने की धारा लगी थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने उन पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील दायर की गई और 25 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई पूरी हुई और आज आज 19 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। और अब हो सकता है, अब तक जब तक आप ये खबर मेरी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तब तक ये भी हो सकता है कि सिद्धू ने कुछ चाल चल ली हो या सिद्धू इस समय सलाखों के पीछे हो। दोनों ही बातें हो सकती हैं क्योंकि वो क्रिकेटर भी हैं, वो टीवी शो पे भी काम कर चुके हैं, प्लस वो राजनीति में भी है, तो वो कलाकारी भी कर सकते हैं, राजनीति का फायदा भी ले सकते हैं और अपने खिलाड़ी होने का सबूत देते हुए कोई खेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और खबर के साथ। और हाँ, 8 बजे मैं एक लाइव करने जा रही हूँ, बहुत ही
दिलचस्प विषय है वो, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसे देखना ना भूलिएगा। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।